पौड़ी जिले की पुलिस ने दो इनामी अपराधियों को अलग अलग थानों से गिरफ्तार किया है। इसमें एक अपराधी को तमिलनाडु तो दूसरे आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल फरार चल रहे इनामी आरोपी की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संतोष पैथवाल के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस टीम ने जहाँ करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अरुण नाम के शातिर ने श्रीनगर, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के अन्य विभिन्न हिस्सों में भी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। वहीं करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद आरोपी अपना स्थान लगातार बदल रहा था। जब लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी तो आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। एसएसपी ने बताया कि अब तक 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। अभी कल ही जो है हमने बिहार से और तमिलनाडु से हमारे 2 जो इनामी अपराधी हैं उन्हें भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा वांछित अपराधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, गुंडा में भी कार्रवाई की है और लोगों को जिलाबदर किया।